क्या सीन है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये दोनों महाशय अपना लगे पड़े हुए हैं। सुबह का टाइम है, थोड़ा लेट हो गया हम लोग उठने में, क्योंकि आज वीकेंड है और हम लोग को जाना है, कहीं जाना है मम्मी पापा को लेकर के। वो मैं आपको आगे बताऊँगी व्लॉग में किधर जा रहे हैं आज हम लोग। तो ये दोनों फिलहाल देखिए कैसे मस्ती मार रहे हैं सुबह सुबह। जा जल्दी से, दूसरा हाथ आ गया, गलती से दूसरा हाथ आ गया, वो हाथ आ गया ना। नहीं तो अभी कर रहे फिर से। 3, 2, 1 सात बार बोले हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को समझो। ब्लॉगिंग करते हो तुम, क्यों दिखाते रहते हो अपना चीज? तुम भी बोलो, हाय करो। हाय। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं मंदिर, और मंदिर पहुंच के आपको दर्शन कराएंगे। जो भी मंदिर जाएंगे, पहले हम लोग जाएंगे घोलघड़ वाला मंदिर, वहां पर अखंड ज्योत, अखंड विंध्यवासिनी मंदिर है, वहाँ पे माता का अखंड ज्योत, दिव्य ज्योत है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे बड़ी पटन देवी। बड़ी पटन देवी का भी मंदिर काफ़ी पुराना है, वो शक्ति पीठ है। ठीक है, तो फिर चलते हैं, लेट्स गो। हम लोग सब नाश्ता कर चुके हैं, बिना लहसुन प्याज कहीं खाए थे, और उसके बाद फिर फ्रेश कपड़ा पहन लिए हैं। ठीक है, और ये आ रहे हैं। हाय करो, हाय, हेलो करो, हेलो। शाबाश बेटा, बहुत सिंपल। हेलो हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। तुम लगे पड़े हो अपना वो दिखाने। भैया ने अपना म्यूजिक सिस्टम चेंज करवाया है, तो अभी हम लोग चेक करने वाले हैं कि वो कैसा अभी बचेगा। ये कार जब से हम लोग लिए हैं ना, तब से कितनी बार इसका सर्विसिंग, मतलब एक्सीडेंट टाइप का हो चुका है। नहीं, कितना बार इंश्योरेंस हुआ इसका, क्लेम में गया है? जाता ही रहता है, मतलब हर साल दो बार तो चला ही जाता है इंश्योरेंस क्लेम में, है ना? कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कनेक्ट हो जाए, बट कैसे होगा वही अभी तक नहीं हो पा रहा है। फ़ोन से कनेक्ट कर रहे हैं। YouTube भी चलेगा इसके ऊपर? वाह, इसमें देखेंगे फिर। तब तो आदमी गाड़ी चलाएगा क्या, ड्राइविंग क्या करेगा, एक्सीडेंट ही हो जाएगा ऐसे में तो। काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा है इसको कनेक्ट करने में हम लोग को। कार्ड पे, अच्छा वो मतलब अपने आप बजे। हाँ। उसका गाना सब जो ऐप है, पापा क्या नाम है आपका, स्पॉटिफाई? पापा यहाँ जो जा रहे हैं वहाँ का ना लोकेशन लगा दो, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ का लोकेशन लगा। ये वाईफाई से ही कनेक्ट होता है, ब्लूटूथ से भी? सो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। फिलहाल अभी मैंने आपको कुछ अपडेट दिया है कि हम लोग कुछ मंदिर जा रहे हैं घूमने के लिए, बट हम लोग सबसे पहले बड़ी पटन देवी गए थे और वहाँ का ही सिर्फ शूट कर पाए थे, बाकी और सब मंदिर का नहीं कर पाए थे। तो अभी सबसे पहले जा रहे हैं मम्मी को लेने के लिए। तो मम्मी को हम लोग ले लिए हैं वहाँ उनके घर से, और हम लोग बस अब निकल चुके हैं। तो हाँ, ये बड़ी पटन देवी के बारे में आपको मुझे एक बात बताना था कि यहाँ पे कहा जाता है कि सती माँ का जब उनका शरीर जलाया गया था तो उनका बायां जांघ धरती के इसी जगह पर गिरा था, जो पटना पटन बड़ी पटन देवी के नाम से स्थित है, हमारे यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है।
तो हम लोग वहीं निकले हैं सबसे पहले, क्योंकि दशहरा में हम लोग को टाइम नहीं मिल पाया था जाने का उनके पास। तो अभी हम लोग निकले हैं और चलिए आपको दिखाते हैं कैसा है वहाँ का मंदिर। भीड़ तो काफ़ी रहती है बट आज नहीं था और बहुत कम ही भीड़ था और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। एक्चुअली बाहर आ गया है अभी, इनका गर्भगृह जो है वो बन रहा है और वो काफ़ी अच्छा बनने वाला है, पूरा संगमरमर का बनने वाला है मंदिर। और ये देखिए यही है हमारी माता रानी जिनको हम लोग पूजते हैं यहाँ पर आके, बड़ी पटन देवी के नाम से सिद्ध है और काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा मंदिर है ये, बहुत। और मेरा नारियल एक्चुअली सड़ा हुआ निकल गया था, वही पवन पंडित जी बोल रहे थे कि आपका जो नारियल है वो अंदर से ख़राब है, तो कहते हैं कि पूजा स्वीकार कर लेती हैं माँ जिनका नारियल अंदर से सड़ा हुआ। चले भगवान मेरा सुन लिए होंगे मे बी। चलिए आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मंदिर का बाहर का पोर्शन है और ये भी बन रहा है, ये काफ़ी पुराना मंदिर है लेकिन अब जाके ये बन रहा है। तो ये मेन डोर है यहाँ का, इस मंदिर का जो ये बन रहा है अभी, डोर भी नया ही लगेगा आई थिंक। तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा कि पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे भी जाओ हर पंडित जी जो है वो वहाँ पर अपना दक्षिणा हर चीज़ में मांग रहे थे, चाहे वो एक टीका लगाने का हो, चाहे वो कुछ भी करने का हो, कोई भी मंदिर, मतलब वहाँ पर और भी भगवान जी का है तो वहाँ पर भी जा रहे थे हम लोग, तो वहाँ पर भी पंडित जी अपना दक्षिणा मांग रहे थे। तो ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसको जो पॉकेट अलाउ करेगा वही ना वो दक्षिणा देगा, तो ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। चलिए हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, अभी तो जा रहे हैं हम लोग गोलघर वाला मंदिर अखंड वासिनी, लेकिन वहाँ का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ था, बहुत ही भीड़ था, तो वो भी मैं शूट नहीं कर पाई, सब रह गया। कोई बात नहीं, फिर कभी मैं जाऊंगी तो आपको ज़रूर से दिखाऊंगी वो मंदिर। और फिलहाल मैं अभी, उसके बाद फिर हम लोग गए थे हनुमान मंदिर। यहाँ पे हम उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए, तो खाना खाने का कुछ खास मन नहीं था क्योंकि शाम थोड़ा था, रात का टाइम नहीं था, तो डिनर हम लोग नहीं करना चाहे तो हल्का फुल्का स्नैक्स जैसे हम लोग खा लिए, डोसा वगैरह खा लिए थे हम लोग। उसके बाद तो फिर ऐसा डोसा खाए कि रात में खाना ही नहीं खाए, पेट ही भर गया। तो चलिए मेरा व्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और यदि अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।